हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू देव डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टर के एक सिरे को अगले रेजिस्टर के सिरे से लगातार जोड़ते हैं, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए एक्सप्रेशन को देखते हैं, जिसका वैल्यू हमें टुकड़ों में मिलेगा, हम उससे शुरुआत करते हैं। जैसे फिगर से क्लियर है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस तीन टुकड़ों में टूटा है, V1, V2 और V3। तो हम इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, V=V1+V2+V3। तो यहाँ ओम के नियम से टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। आगे देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस के एक इंड को एक साथ और दूसरे इंड को एक साथ जोड़ते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए एक्सप्रेशन को देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो ब्रेक करता है उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे फिगर से क्लियर है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी तीन टुकड़ों में ब्रेक किया है, I1, I2 और I3। तो हम इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, I=I1+I2+I3। और यहाँ ओम के नियम से टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर, देन हीट प्रोड्यूसेस इन द कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होता है, इसे ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यदि हमें हीट का वैल्यू फाइंड करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला है H=I²RT। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, इट इज डिनोटेड बाय P, इट्स SI यूनिट इज वाट। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किया गया कार्य इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है, जहां P=W/T। इसलिए W यानी वर्क निकालना हो तो P × T होगा। एक बात और, यदि पावर वाट में होगा तब टाइम सेकेंड में होगा, और यदि पावर किलो वाट में होगा तो टाइम आवर में होगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लगभग सभी टॉपिक को क्लियर किया है। अब इसके बाद इस चैप्टर के बचे इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।